नसनवा के बुदाई दालू बेली खाते सखर के कंजर्वेटर सलीम विसड़ो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर घोटकी जियादुल्ला निगारी आई बेन अमलदार के साण करे घोटकी के बेलन जो जायजो वरतो उन हवाले से वीडियो लिंक मौजूद है लतीफ वसीर जी लतीफ जी बिल्कुल इन वक्त असि वसीर बेले में मौजूद आयो जिथे कंजर्वेटर सखर समेत जे डीएफओ ए बो अमलो इन बेले में पहुंचो है इन समेत घोटकी जे बेला आन उन्होंने विजिट कर खास तौर पर जे बेलन जमीनू खाली आन उन हवाले से या जो इंक्रोचमेंट हुई उन हवाले से सलीम विस्तुड़ साहब असा गुड मौजूद है साई से गाल बोल कह साई वही मेहरबानी तुम टाइम नो घोटकी जिले अंदर खास तौर पर बेलन जो जमीनू अदालती हुकुम का खाली थी उन्होंने प्लांटेशन जो तरीकेकार प्लांटेशन केतरी कई हुई है उनसे गड फर्दर उनते कम करो जी तो हि 2021 जो बेलन के बहाली जो साल असा सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ मल्हाय रो है अलहमदुल्ला सजे सिंध में मतलब बेलन के बहाली जो कम तमाम सुठो तेजी से हली रो है असा जो अज इत आया गुड्डू बेरा ज फॉरेस्टेशन डिविजन में मीरपुर माथेलो असा इतना जरवार जो भी विजिट किया अज हिंसर वसीर में बीठा हूँ अस मीरपुर में भी वियासी तो मकसद है कि हि असो इतने अचान जो मकसद यो तो असा इत बेला अग कब्जन हेट जमीनू आयल हुई तो उ अलहमदुल्ला खाली थी चुको हैं उन्होंने हाँ ही है असो अजम किया है असो 2021 के स्पेशली बेलन के बहाली जो साल कर मल्हूँ पर यो असो अमल जो बेलन के बहाली जो कंटिन्यूसली हल्द इंशाला अस डो तो मीरपुर में जो बेलो है असो उत असो कें जमाने में टाली जो बेला मशहूर हूँ उत पूरे वक्त से गुड टाली खत्म थी व्यू पर हाँ असि 400 एकड़ का मथे जी है वह टाली उत लगी चुकी है अलहमदुल्ला सक्सेसफुल है अस चाहूँ था तो उत मीरपुर बेले में अस टाली के वरी जो उनको रिवाइवल करूँ सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुकुम से सजे सिंध बेले खाते की सर्वे करनी है उ अलहमदुल्ला असो खैरपुर में सखर में असि कुछ एराजी सर्वे थी चुकी है हाँ असा इत असो जो गुड्डू बेरा ज फॉरेस्टेशन डिविजन है उत असो सर्वे जो कम शुरू थी इंशाला जे भी बाउंड्रीज जहा इशू होंद वो उन्हें में रिजॉल्व थन्दा गैरकानूनी अलाटमेंट जी अस रेवेन्यू खाते वन बेले की कई तो उन में अस गुड्डू बेरा ज फॉरेस्टेशन डिविजन में तकरीबन 1800 एकड़ जी अलाटमेंट मानून के हुई जी तो उनमें तकरीबन 1600 कुछ कैंसिल थे बाकी को 150 के करीब अना अलाटमेंट वो भी प्रोसेस असो हले तो इंशाला वो अब कैंसिल थी असि जी गुड्डू बेरा ज फॉरेस्टेशन डिविजन की 31,500 एकड़ जमीन अस टोटल है उन्हें भी ये समझो तो 29,800 एकड़ की जी है वह असल थी माना यह वही अचीवमेंट है बाकी जी रिमेनिंग 1600 एकड़ या कुछ है वह भी असो प्रोसेस हले तो जैसे असो दाखिलाओं थी असो रिकॉर्ड परमानेंट थी असाया बेलन से हाँ तान दिस सोता तो असो जमीन हाँ खाली पन जी जी अस हुकूमत का फंड्स मिलंदा वा अस मिलन पाया वो कम हल पे जे जे मिलंदा तो असा ये सभी जमीन के अस बेलन में आबाद कदी सिंध हाई कोर्ट के तरफा नैब के जे बिल्कुल हुक्म मिलो तो जे भी बेलन से काबिज मूँ उन्होंने डिटेल वो उनो जे मतलब जमीनू खाली ना कन या जे वा जे इंक्रोचर उन्होंने मन पेनल्टीज या रिकवरीज वजो सो वो अमल नैब वट हले पो कोर्ट की डायरेक्शन हमेशा हर महीने असि हाजिरी होंगी है कल भी असा हाई कोर्ट में हुआसी तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन तो बाबा जल्द का जल्द जे नैब भी उनमें अमल करे गाल बोल बुधी कंजर्वेटर सलीम मिस्टर साहब जे घोटकी जे बेलन जी जे जमीनू गैराबाद हूँ या जे खाली जमीन हूँ उन्होंने विजिट किया वो है या जो कुछ शिकायत हूँ उन हवाले से उन विजिट किया पर उन जो गलाइंदे चो है तो हि बेलन की बहाली के लिए असो तमाम कम तेजी से हले पो इतना जो सनती इदारा उन्होंने भी गाल हलन पी बे पास गैरकानूनी जो जमीनू लीज खाता क्या वह काफ़ी हद तक कैंसिल चुका है बे पास ये भी गलाइंदे तो अदालती हुकुम से जो साल वी मूँ इन जमीन के कब्जेदार उन्होंने खिलाफ़ भी आला सतह की कार्रवाई हले पी जी।